हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों कि आप स्टॉक्स का जो आप स्टॉक्स डीमैट अकाउंट होता आपने ओपन करवा लिया था पर आपने काफ़ी दिन से यूज नहीं किया तो आप उसका पासवर्ड यूजर आईडी दोनों भूल गए दोस्तों। तो एक ही तरीका है दोस्तों यूजर आईडी और पासवर्ड रिकवर करने का। जैसे आप यूजर आईडी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप स्टॉक डीमैट अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे यूजर आईडी और पासवर्ड को कैसे रिसेट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर रिसेट करने के लिए आप स्टॉक्स का ऐप आपके मोबाइल में होना बहुत ही जरूरी है। सिंपल से जैसे आप यहाँ से ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब सिचुएशन यहाँ पे ये है कि हम फॉरगेट यूजर आईडी पासवर्ड, यूजर आईडी ही फॉरगेट कर गए हैं, पासवर्ड ही फॉरगेट कर गए हैं। तो सिंपल से आपको क्या करना है, पहले यूजर आईडी को प्राप्त कर लेते हैं। यूजर आईडी प्राप्त करने के लिए फॉरगेट यूजर आईडी पे क्लिक कर लें। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब आपसे पूछे, आपसे यहाँ पे मांग रहा कि फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पैन कार्ड। आपके पास अगर मोबाइल नंबर आपको याद नहीं है, ईमेल एड्रेस भी नहीं है तो पैन कार्ड से आप कर सकते हैं। पैन कार्ड का नंबर तो आपके पास होगा ही, अगर ईमेल एड्रेस तो ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर किसी से भी आप यहां पे कर सकते हैं। चलिए हम यहां से फ़ोन नंबर से करके आपको दिखाते हैं। सिंपल से फ़ोन नंबर के ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करते हैं, फ़ोन नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल देना जो आप अकाउंट ओपन करवाते वक्त आपने डाला था। देन आपको ये फ़ोन नंबर डाल देना, देन आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हैं कंटिन्यू द मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विद यस। यहाँ पे देख सकते हैं ये मोबाइल नंबर नहीं रजिस्टर्ड है इससे, ठीक। तो यहाँ पे बैक करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो हम यहाँ से अब क्या करेंगे, बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम यहाँ से अब हमें फॉरगेट यूजर आई डी पे फिर से क्लिक करना होगा। देख सकते हैं मोबाइल नंबर नहीं था तो हमें क्या करना, पैन कार्ड से हम यहाँ पे करेंगे। चलिए पैन कार्ड से करते हैं। पैन कार्ड करने के लिए पैन वाले कार्ड पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या होगा, हम यहाँ पे डालेंगे पैन कार्ड की डिटेल। यहाँ पे हमें डालना होगा पैन कार्ड का नंबर। चलिए हम यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाल देते हैं। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यूजर आई डी इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आई डी। यहाँ देख सकते हैं फोन नंबर एंड मोबाइल नंबर, ये आपका यूजर आई डी सेंड टू योर रजिस्टर आपका यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे योर, ये आपका सेंड कर दिया गया मोबाइल नंबर पे, आपका यूजर आईडी सेंड कर दिया गया। जैसे अपना मोबाइल नंबर ओपन करेंगे यहाँ देख सकते हैं यूजर आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल से जैसे हम यहाँ पे ओपन करते हैं योर ऑफ स्टॉक्स यूजर आईडी, यहाँ देख सकते हैं आपको यूजर आईडी देखने को मिल गई, ठीक। अब आपको यूजर आईडी यहाँ पे पता हो गया कि यूजर आईडी हमारी ये है, ठीक। आपके मेल आईडी पे भी यूजर आईडी भेज दिया गया होगा, ठीक। सिंपल से हम यहाँ से बैक करते हैं। अब हमें यूजर आईडी पता चल गया। अब हमें यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड, चलिए हम यहाँ पे यूजर आईडी पता चल गया तो हम यूजर आईडी को यहाँ पे फिल कर लेंगे। यूजर आईडी देखते हैं क्या है, 709684, ठीक। अब यहाँ पे हमने यूजर आईडी को फिल कर लिया, 7070 है और 9684, ठीक। अब हमें यहाँ पे पासवर्ड भी नहीं पता है, तो पासवर्ड भी नहीं पता तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। जैसे हम फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ देख सकते हैं यूजर आईडी अपने आप ले लेगा। देन आपको ईयर ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपना ईयर ऑफ बर्थ डालना होगा। ईयर ऑफ बर्थ जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। चलिए हमने यहाँ पे डाल दिया ईयर ऑफ बर्थ, जितने ईयर आपका है बर्थ वो डाल देंगे। देन आपको वेरीफाई ओ टी पी इन द नेक्स्ट स्टेप, वेरीफाई ओ टी पी पे क्लिक करना है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप एक ओ टी पी आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल दोनों पे सेंड कर दिया जाएगा, एक ओटीपी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना। चलिए हमारे में ओटीपी भी दोस्तों आ चुका है, ओटीपी आ चुका, देन हमने ओटीपी भी यहाँ पे डाल दिया, ओटीपी वेरीफाई हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे एक नया पासवर्ड बना लेना है। नया पासवर्ड बना, देख सकते हैं न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, रिसेट पासवर्ड, ठीक। तो आपको यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड डाल देना। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं न्यू पासवर्ड जो आपका होना चाहिए एक अपर केस में होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, अल्फ़ाबेट एक अपर में होना चाहिए। यहाँ चलिए हमें एक नया पासवर्ड बना लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने एक नया पासवर्ड, अब देख सकते हैं अभी रेड है, जैसे हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमारा हो जाएगा वैसे यहाँ पे ग्रीन भी हो जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों ये। अब हमारा ये हो गया, अब आपको कन्फर्म यहाँ से कन्फर्म डाल देना है। चलिए हमने यहाँ पर कन्फर्म कर दिया पासवर्ड को, देन हमने कन्फर्म कर दिया। अब आपको क्या करना है, रिसेट पासवर्ड, यहाँ पे रिसेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे आप रिसेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं योर पासवर्ड इज नाउ सक्सेसफुल रिसेट, साइन इन विद योर यूजर आईडी एंड न्यू पासवर्ड, आपको यहाँ पे सेव कर देना है।
अब यहाँ देख सकते हैं आपका पासवर्ड जो रिसेट हो गया, ठीक। अब आपको यहाँ पे बैक आना है, बैक आने के बाद अब आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना। चलिए हम वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं, हमने यहाँ पे पासवर्ड वाला देन हमने फिट कर दिया। अब पासवर्ड फिट करने के बाद आपको साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। जैसे साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, एयर ऑफ बर्थ यहाँ पर अपना एयर डालना होगा, जो भी आपका एयर है, ठीक। देन आपको यहाँ देख सकते हैं आपका अप स्टॉक्स जो अकाउंट है ओपन हो करके आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एयर ऑफ बर्थ, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं क्लोज, यहाँ देख सकते हैं आपका जो भी यहाँ पे है, अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रह जाता है अप स्टॉक डीमैट अकाउंट पासवर्ड रिसेट और यूजर आईडी रिसेट करने से, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के दोस्तों जय हिंद जय भारत।